सोनीपत के गांव खेड़ी तगम स्थित उच्च विद्यालय में आज सुबह चोरी हो गई है। इस चोरी की जानकारी सफाई कर्मी ने दी। बता दें कि स्कूल में कंप्यूटर कक्ष का ताला तोड़कर चोर कंप्यूटर मॉनिटर आदि चोरी करके ले गए। स्कूल में कर्मचारियों की तरफ से थाना पुलिस को इसकी सूचना दी गई। शिक्षक सतीश कुमार ने बताया कि वह राजकीय उच्च विद्यालय में खेड़ी तगा में शिक्षक कर पर कार्यरत है। उन्होंने बताया कि बुधवार को वह अच्छे से कंप्यूटर लैब बंद करके गए थे। अगले दिन गुरुवार सुबह स्कूल आने पर उन्होंने कंप्यूटर कक्ष के दरवाजे के ताले टूटे देखे। उन्होंने देखा कि चोर अंदर से कंप्यूटर का CPU मॉनिटर और कीबोर्ड आदि चोरी करके ले गए। इस चोरी की सूचना गांव खेड़ी के थाना पुलिस को दी और चोरी होने की सारी जानकारी पुलिस को उन्होंने बताई। पुलिस टीम इस मामले में जांच कर रही है। इस खबर में इतना ही, बने रहे अर्थ प्रकाश के साथ। क्या नाम है सर आपका? मेरा सतीश कुमार। यहाँ आप किस पद पर कार्यरत? अध्यापक के पद पर कार्यरत। सर क्या मामला हुआ है यहाँ जो ये चोरी बताई जा रही है? ये जी हमारे लैंग्वेज लैब में चोरी हुई है और इसमें हमारे 20 तो कंप्यूटर थे और एक मास्टर कंप्यूटर था। 21 कंप्यूटर चोरी हुई है। कब ये चोरी हुई है? ये 29 को जी हम सब ठीक ठाक बंद करके गए थे और 30 को सुबह जब हमारी सफाई कर्मचारी आई तो उसने पाया कि इसका लॉक टूटा हुआ है और उसने हमें इन्फॉर्म किया, हमने सरपंच को और पुलिस को इन्फॉर्म किया। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।